आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में अपराधियों का कहर जारी है। चैनपुर के दुबे के सराय गांव के शिव पूजन पासवान का इकलौता पुत्र 8 वर्षीय सूरज कुमार घर से खेलने निकला था, जिसकी हत्या कर अपराधियों ने शव को घर से कुछ दूरी पर एक कुएं में फेंक दिया था। 36 घंटे के बाद कुएं से शव बरामद हुआ। ग्रामीणों ने शव को दुबे के सराय पथ पर रखकर 3 घंटे तक यातायात बाधित रखा। चैनपुर थाना अध्यक्ष उदय भानु सिंह व स्थानीय बीएसपी विधानसभा जाम खान के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया। मृत बालक के परिजन एवं गांव वाले थानाध्यक्ष पर बालक के गायब होने की सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने से काफी आक्रोशित है। थानाध्यक्ष ने 24 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। वह स्थानीय विधायक जाम खान ने कहा कि यदि 3 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम खुद सड़क पर जाकर खुदकुशी करेंगे। उसको आना चाहिए 2 घंटा, ये 24 घंटा दिए समय, यही बात है। भाई बेटा जमा का आपका भाई है, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जैसे अगर गलत हमारा लड़का, आपको लड़का कब से निकल रहा है? परसों दिन 5 बजे। तब फिर ठीक हम लोग खोजने लगे, आज सुबह 6 बजे लाश मिला है। थाना में गए नहीं? थाना में गए थे। पुलिस कल आई 10 बजे, एसपी के फोन कर तो आप 2 दिन गायब थी। आप गए नहीं तो पुलिस आपका बात नहीं सुन लो। जी पुलिस कहा? बड़ा बाबू कहना कि हम गाई मोबाइल लेते ही तू मोदी से बात कर ले पहले, तब हम रिकेन आऊ। तू तो खुद पिया।